Hello friends, once again and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. Today I am going to discuss about most expected gate biotechnology exam numericals. आज फिर हम अपने कुछ numericals के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. तो friends, आज के जो हमारे numerical हैं, ये भी हमारे important numerical हैं हमारे gate biotechnology exam के point of view से. जैसे हमने अपनी previous videos में बहुत सारे numericals के बारे में discuss किया है, ऐसे ही आज फिर से हम लोग अपने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. और मैं फिर से एक बात आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा न्यूमेरिकल गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में से मैच नहीं आएगा. सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ मेथड को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है और फॉर्मूले को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है. देन अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में आता है तो आप लोगों को सेम वही फॉर्मूला, सेम वही मेथड आप लोगों को यूज करना है, तो आप लोग अपना आंसर आसानी से वहां पे फाइंड कर लेंगे. और एक और आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी बात है कि जितने भी हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नहीं होती. तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अपना जो स्कोर है आप लोगों का उसको अच्छा करें और अपनी जो गेट की रैंक है, गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम की जो रैंक है उसको आप लोग और अच्छा करें और किसी भी एक रेपुटेटेड IIT, IISc, NIT में आप लोग अपना एडमिशन लें और अपना जो आप लोगों का एम है उस एम को आप लोग अचीव करें. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. अ बैक्टीरियम हैज जीनोम साइज 6 मिलियन बेस पेयर्स इफ द एवरेज रेट ऑफ DNA सिंथेसिस इज 1000 बेस पेयर पर सेकेंड. द टाइम टेकन इन मिनट फॉर डुप्लीकेशन ऑफ द जीनोम विल बी. ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है आप लोगों को कि सबसे पहले देखना है कि क्या गिवन है आप लोगों को. तो गिवन जीनोम साइज जो है इज इक्वल टू है हमारा 6 मिलियन, जो हमें गिवन है 6 मिलियन बेस पेयर. तो इसको फर्स्ट हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है 6×10^6 बेस पेयर में. मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज में भी एक सजेशन दिया था कि सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई भी बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग जो हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम है, जो हमारा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे न्यूमेरिकल हैं, इन सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन में थोड़ा सा अपना जो आपकी क्रिएटिविटी है वो दिखानी पड़ेगी. आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन फर्स्ट आना चाहिए, देन उसके बाद ही आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन जो है वो मस्ट है हमारे किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, भले ही वो हमारा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल हो, हमारा बायोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, हमारा माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल हो, या हमारा बायोफिजिकल टेक्निक्स का न्यूमेरिकल हो. ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप लोगों को फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन पे फोकस करना है. तो क्या है कि 6×10^6 बेस पेयर हमारा यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है. रेट ऑफ DNA सिंथेसिस 10^3 बेस पेयर पर सेकेंड है. ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60×10^3 बेस पेयर पर मिनट हमारा यहाँ पे हो जाएगा. तो रिप्लिकेशन टाइम इन मिनट में हमारा जीनोम साइज अपॉन रेट है. तो जीनोम साइज हमें पता है और रेट हमें पता है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे आप लोग पुट कर दीजिए तो आंसर आपका यहाँ पे 100 मिनट आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. द कंसेंट्रेशन इन माइक्रोमोलर ऑफ NADH इन अ सोल्यूशन विद ए ऑब्जर्वेंस 340 इज इक्वल टू 0.50 इज. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को फर्स्ट आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, तो गिवन डाटा जो यहाँ पे है, पाथ लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट ऑफ NADH समेशन हमारा नहीं एप्साइलन हमारा 340 इज इक्वल टू ये हमारा यहाँ पे एप्साइलन है ई इज 340 इज इक्वल टू 6220 एम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, ऑब्जर्वेंस जो है हमारा यहाँ पे 0.50, पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर, एक्सटेंशन कोफिशियंट हमारा एप्साइलन इज इक्वल टू 6220 एम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो सीधा आप लोगों को क्या करना है कि इसमें फॉर्मूले में आप लोगों को सभी वैल्यू पुट करनी है, यानी ए इज इक्वल टू हमारा होता है ई एप्साइलन इंटू सी इंटू एल. ठीक है, तो सी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, तो ए अपॉन
एफ साइलेंट इंटू एल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 0.5 है, आप लोगों को पता है 0.50 अपॉन 6220 इंटू 1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा हमारा 80 माइक्रो मोलर। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना न भूले। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।